एवरीवन, आई एम रघुनाथ। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फ्रीलांसिंग वर्सेस फुल टाइम जॉब। तो इस वीडियो में आप लोग को पता चलेगा फ्रीलांसिंग क्या है और फुल टाइम जॉब के अंदर डिफरेंस क्या है, क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, सब कुछ ट्राई करूंगा डिटेल्स बताने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लग रहा है, देन मुझे पता चलेगा देन मैं वीडियो में और इम्प्रूवमेंट और कौन सा टॉपिक के ऊपर आप जानना चाहते हैं मुझे बताएंगे तो उसको इम्प्रूवमेंट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमें फ्रीलांसिंग के ऊपर अभी डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग फुल टाइम जॉब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो फ्रीलांसिंग में क्या क्या फ़ायदा है, हर चीज़ में कुछ नेगेटिविटी होता है, कुछ पॉजिटिविटी होता है, उसी तरह फुल टाइम जॉब में भी नेगेटिविटी होता है, पॉजिटिविटी होता है, फ्रीलांसिंग में भी नेगेटिविटी होता है, पॉजिटिविटी होता है। तो फ्रीलांसिंग में क्या क्या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो सारी चीज़ मैं बताऊँगा वन बाई वन। तो आपका करियर आप किस में जाना चाहते हैं, फ्यूचर किस में जाना चाहते हैं, तो उसको लेके आप यहाँ पे फोकस कीजिए आप लाइफ में। क्योंकि देखिए, जब कोई फ्रीलांसिंग शुरू करता है पूरा कम्प्लीटली यंग एज 18-19 साल में ही फ्रीलांसिंग शुरू करता है, तो आगे जाके उसका मैरिज लाइफ बहुत सारी चीज़ रहता है, तो स्टूडेंट के लिए फ्रीलांसिंग बेस्ट ऑप्शन है। पर जब करियर के बात आ जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि आपका लाइफ बनता है, आपका मतलब शादी वगैरह होता है, बच्चा पैदा होता है, तो बहुत सारे ऑप्शनल रहता है आपके पास जो दिक्कत है। तो फ्रीलांसिंग के लिए आपको सोचना पड़ेगा आप करियर में क्या करना चाहते हैं, रिलेटेड आप एक बिजनेस ओनर होना चाहते हैं, आप एक स्टार्टअप कंपनी करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो फ्रीलांसिंग फाइन है। बट आप कोई चाहते हैं कि मुझे आराम से रहना है, फ्रीलांसिंग में आपको रेस्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे जो एक मीत चलता है कि फ्रीलांसिंग में जब मन करे काम करो, जब मन करे बनाए, ऐसे कुछ नहीं होता है। आपको काम ढूंढना पड़ता है, काम ढूंढ के उसको करना पड़ता है, रोज़ उसका नया नया तरीका सीखना पड़ता है, बट यू गेट सो मेनी एक्सपीरियंस, आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आपको कभी डर नहीं लगता है कभी जॉब चले जाए तो आपके पास ये तरीका है। जॉब के बाद 2-3 घंटा आपको दे पा रहे हैं तो फाइन, ये बहुत अच्छी बात है, बट आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या क्या दिक्कत भी आ रही है। पॉजिटिविटी तो है, यहाँ पे पैसा अच्छा खासा मिल जाता है, आप महीने में 30 प्रोजेक्ट ले लेंगे 5-5 हज़ार का भी, आपको 1.5 लाख होता है, बट 30 प्रोजेक्ट आएगा कहाँ से, वो बड़ी बात है, दिक्कत वहाँ से बड़ी है। मेरा प्रोफाइल देखें तो मेरा प्रीमियम प्रोफाइल है, मैं मतलब हायर्ड मतलब प्रिफर्ड फ्रीलांसर हूँ, बट तभी भी प्रोजेक्ट मिलना मुश्किल होता है, ऐसे नहीं है कि आ जाता है, बट ऐसे जैसे मेल करना, कोल्ड कॉलिंग, ये सारी चीज़ बहुत सारी डिफिकल्टी के अंदर रहता है। आप ये मत सोचिए कि काम आता रहेगा, काम आता रहेगा, पैसा थोड़ा सा मार्केट जैसे इन्फ्लुएंस मतलब बढ़ रहा है प्राइस, आपका प्राइस बढ़ाएंगे तो उसके बाद ही बहुत सारे दिक्कत होता है। और आप यहाँ पे अकेले रहते हैं, आप कभी मतलब कभी भी आपको रात में घूम रहे हैं, आपको मैसेज आ जाता है कि ये काम कर पा के दो, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे जो चलता है ना, जब मन करे काम करो, काम ऐसे ही आप एक दो बार छोड़ देंगे तो क्लाइंट दोबारा आपको टेक्स्ट नहीं करेगा, और एक क्लाइंट बनाने के लिए आपको 1 साल लग जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ ना आपको बहुत परेशान करवाता है, पैसा है बट बहुत सारी चीज़ आपको टेंशन देता है। जैसे अभी तो यंग एज में पता नहीं चलता है, बट 25-30 ईयर के बाद ये सारी चीज़ आपको मुश्किल होता है। मैं 2-3 जो पहले से फ्रीलांसिंग करते हुए बंदे के साथ बात किया हूँ, जब 30 ईयर के बाद उन लोग को काम अभी ढूंढना मिलता है, स्किल बदल जाता है, कुछ भी होता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही मतलब दिक्कत होता है। और अपने खुद के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि मैं खुद को कैसे बनाऊँ, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गड़बड़ गए तो आपका पूरा लॉस होने का भी चांस है, क्योंकि खुद को संभालना भी इतना आसान नहीं है, खुद को संभाल के काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ फ्रीलांसिंग के अंदर आ जाते हैं, बट पैसा कमा सकते हैं, बट जॉब के अंदर ये सारे आपको प्रॉफिट मिलता है, आपके ऊपर एक बॉस रहता है। हाँ, मैं मानता हूँ बॉस इतना अच्छा नहीं है, बट वहाँ पे एक आपको गाइडेंस आप तरह से देखिए ना, आपको कोई टीच कर रहा है, आपको सिखा रहा है, आपका सैलरी अभी अभी एक दोस्त का मेरा 21 लाख पर ईयर पैकेज लगा है, तो 3 लाख पर महीना। आप फ्रीलांसिंग में 3 लाख तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, आप इतना काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जैसे शटर है फ्रीलांसिंग, आप दुकान उठाए पैसा मिला दुकान बंद कर दे पैसा बंद, तो उसी तरह। बट जॉब में क्या होता है, आप रेगुलरली 5 दिन, अभी तो पूरा वर्क फ्रॉम ही चेंज हो गया, वीक में 5 डेज ऑफ वर्क रहता है, मतलब बहुत अच्छा, 2 दिन आपको आराम से छुट्टी मिल जाता है और सैलरी आपका हर साल इंक्रीमेंट होता है। हाँ, स्लो प्रोसेस में होता है, बट फ्रीलांसिंग की तरह एक जगह में ब्रेक नहीं होता है। बट आप एक बिजनेस बनाना चाहते हैं, स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, तो
जॉब करने से पहले 1-2 साल फ्रीलांसिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे एक्सपर्टाइज आ जाता है, आप बहुत सारे चीज़ सीख जाते हैं फ्रीलांसिंग में। बट जॉब में क्या होता है ना, एक चीज़ में आप पूरा मास्टर बन जाते हैं और उसके ऊपर आपका फुल कॉन्फिडेंस रहता है, और मतलब उसमें आपको कोई हरा नहीं सकता। बट फ्रीलांसिंग में आपको 50 चीज़ आता है, 360 जो बोलते हैं फ्रीलांसिंग में सिखाया जाता है, पर जॉब में एक चीज़ में आपको मास्टर बनाया जाता है। तो जॉब भी बहुत अच्छा है जॉब होल्डर जो है, इसलिए आगे आपको जॉब मतलब कोई बिजनेस स्टार्टअप नहीं करना है तो आप जॉब को प्रिपेयर करिए। जॉब बहुत अच्छा है सच में, जॉब में आजकल बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट फ्रीलांसिंग में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता है, क्योंकि कल जाके और स्टूडेंट मार्केट में आ जाते हैं तो धीरे धीरे गिरने लगा है मार्केट, धीरे धीरे गिर रहा है। पर तभी भी प्रोजेक्ट मिलता है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, ऐसे बात नहीं है नहीं होता है। काम तो करेंगे तो हर जगह में आपको प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो आपको रिलेटेड यूट्यूब बनाना है, कुछ भी बनाना है, आपको टिकटकर बनना है, कुछ भी बनाना है, तो फ्रीलांसिंग अच्छा है। जॉब के बाद भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग ये जो ऑप्शन रखिए, जॉब को एक फुल टाइम के तरह कीजिए तो अच्छा रहेगा। और आपको आगे स्टार्टअप वगैरह करना है तो आप फ्रीलांसिंग को फुल टाइम कीजिए, जॉब को इतना फोकस मत कीजिए। देखिए दोनों तरफ से दोनों चीज़ डिफरेंट होता है, तो दोनों को आपको संभाल के चलना है। तो दोनों में नेगेटिव है पॉजिटिव है, बट आगे जाके आपको क्या करना है, कहाँ पे पहुँचना है वो देख के काम कीजिए। आगे जाके आपको कहाँ पे पहुँचना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके कि मुझे आगे जाके बिजनेस करना था इसलिए मैं फ्रीलांसिंग से शुरू किया, लेकिन मुझे आगे जाके पैसा कमाना था कि आराम लाइफ जीना था तो मैं फ्रीलांसिंग चूज नहीं करके जॉब कर सकता था। थैंक यू, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सर।